A very good morning to all present here. Students, today we revise the chapter number 5. It's from part A, legislature, okay? And today we revise this chapter. Is that clear? So, students, first of all, I tell you about the first question is, who is the presiding officer of Lok Sabha? मतलब जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है लोकसभा का वो कौन है इज द लोकसभा स्पीकर सो डू यू नो अबाउट व्हाट्स द नेम ऑफ द लोकसभा स्पीकर सो स्टूडेंट्स श्री ओम बिरला ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा एंड द 17th लोकसभा इज दैट क्लियर सो नेक्स्ट इज व्हाट इज मनी बिल Money bill relates to the imposing, reducing or repealing of taxes or relating to expenditure or income. It's the meaning of the money bill. Okay. So next is, what is meant by government bill? Government bill, a bill which is introduced in the parliament. By the minister is called government bill. मतलब जो bill introduced किया जाता है parliament में ministers के द्वारा उसे क्या बोलते हैं हम लोग government bill. Okay, जो ministers मतलब जिसे introduce करती है ठीक है so next is बेटा so next who presides over the joint session of the parliament? So, the speaker of the Lok Sabha presides over the meeting of the joint session of the parliament. Is that clear the points? So, next is mention one privilege of the members of the parliament. मतलब जो one privilege है members of parliament का वो बताना है. तो क्या है बेटा? Members have full freedom of speech in the house subject इट्स रूल ऑफ प्रोसीजर मतलब जो मेंबर्स हैं उनके जिनके पास फुल फ्रीडम है स्पीच देने की हाउस में अपनी सब्जेक्ट्स इट्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ओके सो नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्वेश्चन आर सो क्वेश्चन आर दैट मीन टू से ड्यूरिंग क्वेश्चन आर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द मेंबर्स on different issues as well as topics and answers are given by the concerned ministers मतलब जो देखो बेटा जो question आर होता है question आर के during क्या होता है कि जो questions होते हैं पूछे जाते हैं members के द्वारा on different issues as well as मतलब कोई भी topics हो सकता है ठीक है and जो answer करना होता है उन्हें किसने करना होता है ministers ने उनके जो मतलब जो उनके issues हो गए वो issues अपने लेके आए हैं जो उनको problems हैं उनके regarding जो question होते हैं ठीक है तो उनके जो reply या जो answer है वो किसने देना होता है ministers ने देना होता है okay and answer are given by the concerned minister okay is that clear the point and after that I tell you about how many members are nominated इन दी राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ओके मतलब जो मेंबर्स है नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर्स होते हैं वो सो स्टूडेंट्स 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन दी राज्यसभा मतलब जो 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में फ्रॉम अमंगेस्ट द स्कॉलर्स आर्टिस्ट उनमें से कौन कौन से होते हैं स्कॉलर्स होते हैं कुछ आर्टिस्ट होते हैं एंड सोशल वर्कर्स ओके एंड हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड ओके कैसे किए जाते हैं फिर सो बेटा सो द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा एवरी देखो बेटा जैसे हम देखते हैं ना जैसे इलेक्शंस होते हैं हम लोग जो अपनी वोट डालते हैं हमें राइट टू वोट है डालने का जो राइट है ना जो अबव 18 है सो एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स मतलब जो पर्सन है अबव हैज़ अ राइट टू वोट चाहे वो गर्ल है बॉय है मेल है फीमेल है पुअर है चाहे रिच हो ठीक है कोई भी सिटीजन हो ठीक है जो 18 अबव है तो उसे मतलब जो वोट डालने का राइट है एवरी सिटीजन
बस जो वोट डालने का राइट, और किसी नहीं, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं, बैंकरप्ट्स होते हैं लाइक, है ना, तो उन्हें मतलब जो वोट डालने का राइट नहीं होता, क्योंकि जो उन्हें, देखो बेटा वोट हम उस पर्सन को डालते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए सही वर्क करेगा, लेकिन जो खुद ही क्रिमिनल है वो क्या मतलब चूज़ करेगा कि वट इज़ रॉन्ग एंड वट इज़ राइट. ओके, इज़ दैट क्लियर द पॉइंट? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड द पॉइंट. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.